आज हम इस तरह का सहजन का सब्जी बनाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं रीमा आप सबका स्वागत करती हूँ रिद्धि सिद्धि किचन में। आज मैं बनाऊंगी सहजन की सब्जी और ये बनाना बहुत ही आसान है। आप अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नीचे घंटी के निशान को दबाए ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सके। सहजन की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर 500 ग्राम सहजन लिए हैं। इसे छीलकर इस तरह से काट लिए हैं। एक मीडियम साइज प्याज, 3 से 4 मीडियम साइज आलू, इस दोनों को छीलकर इस तरह से काट लिए हैं। 2 मीडियम साइज टमाटर, इसे काट लिए हैं। थोड़ा सा सरसों, 1 पोट लहसुन, इसे मिक्सी में पीस लिए हैं। यहाँ पर पैन को गरम कर लिए हैं। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब इसमें 2 तेज पत्ता और 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। दो हरी मिर्च, इसे काट लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे। सभी कुछ का हल्का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का सॉफ्ट हो जाने तक भूनेंगे। फ्लेम को तेज रखेंगे। प्याज हल्का सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें सहजन और आलू डालेंगे। पांच मिनट इसे इसी तरह भूनेंगे। इसे 5 मिनट भून लिए हैं। अब इसमें सभी मसाला डालकर भूनेंगे। लहसुन और सरसों को जो पीस कर रखे थे अब इसमें डाल देंगे। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, तीखी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, जीरा और काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच। सभी को अच्छी तरह चला देंगे। सभी को अच्छी तरह मिला दिए हैं। अब इसमें टमाटर डालेंगे। नमक 1 चम्मच या फिर अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। पांच मिनट सभी को इसी तरह भूनेंगे। फ्लेम को तेज ही रखेंगे। सभी को 5 मिनट भून लिए हैं। अब इसमें पानी डालेंगे अपना जरूरत के हिसाब से।
सभी को अच्छी तरह मिला दिए हैं। अब इसे ढककर 3 से 4 मिनट पकाएंगे। सहजन का सब्जी अच्छी तरह पक चुका है। अब इसमें हरी धनिया पत्ती डालकर मिला देंगे और गैस को बंद कर देंगे। ये सहजन का सब्जी पूरी तरह तैयार हो चुका है। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।